पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहिद अफरीदी विश्व कप 2023 शुरू होने से पहले ही दूल्हा बन गए। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम भी शाहिद अफरीदी की शादी में नजर आए। बाबर आजम मेहंदी सेरेमनी में भी शाहिद के साथ नजर आए थे। इस दौरान शाहिद के ससुर शाहिद अफरीदी ने भी बाबर को गले लगाकर स्वागत किया। कप्तान बाबर आजम ने भी शाहिद अफरीदी को गले लगाकर उन्हें शादी की बधाइयां दी। बता दें कि हाल ही में एशिया कप खत्म होने के बाद यह खबर सामने आई थी कि बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के बीच लड़ाई हुई है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहीं कहा जाए तो शाहिद अफरीदी दूसरी बार शाहिद अफरीदी के दामाद बने हैं। दरअसल शाहिद ने इसी साल फरवरी में अंसा से शादी रचाई थी, हालांकि उस दौरान शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल हो पाए, सो इसलिए ऐसे में दूसरी बार शादी का फंक्शन रखा गया है। इस बार पारिवारिक सदस्यों के अलावा बाहर के मेहमानों को भी न्योता मिला है। इसके अलावा शादी की एक ग्रैंड पार्टी भी रखी गई है। शाहिद अफरीदी की दूसरी बार शादी की तारीख का ऐलान एशिया कप से पहले ही कर दिया गया था कि 19 सितंबर को निकाह पढ़ाया जाएगा, जबकि वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में किया जाएगा।